क्वेश्चन नंबर फोर, डिफरेंशिएट द फॉलोइंग फंक्शन। तो देखिए दिस फंक्शन इज क्वेश्चन ऑफ टू फंक्शन, दिस फंक्शन इज क्वेश्चन ऑफ टू फंक्शन। ले देखो जिसमें क्या करेंगे हम, क्वेश्चन रूल अप्लाई करेंगे, क्या करेंगे क्वेश्चन। तो क्वेश्चन रूल क्या होता है, डी बाई डी एक्स, डी बाई डी एक्स न्यूमरेटर टू डिनोमिनेटर, न्यूमरेटर टू डिनोमिनेटर इक्वल टू स्क्वायर ऑफ डिनोमिनेटर। इसका फॉर्मूला क्या होता है, स्क्वायर ऑफ डिनोमिनेटर रेस्ट ऑफ डिनोमिनेटर इनटू डिफरेंशिएशन ऑफ न्यूमरेटर माइनस रेस्ट ऑफ न्यूमरेटर इनटू डिफरेंशिएशन ऑफ डिनोमिनेटर। ठीक है, ये फॉर्मूला अब इसे बाहर कर दीजिए। तो इसमें देखिए न्यूमरेटर डिनोमिनेटर कितना है, 3x² + 5 तो d by dx x upon 3x square plus 5 इसको कितना हो जाएगा, square of denominator। तो denominator आपका कितना है, denominator आपका 3x square और plus 5 whole square। ठीक है, तो denominator का multiply करेंगे 3x square और plus 5 हो गया into differentiation of numerator। तो numerator रख दीजिए, तो numerator x है minus न्यूमरेटर इनटू डी बाय डी एक्स ऑफ डिनोमिनेटर 3x स्क्वायर प्लस 5 है ना, ये चिकन हम जगह है स्क्वायर ऑफ 3x स्क्वायर प्लस 5 होल स्क्वायर, ये हो जाएगा 3x स्क्वायर ऑफ प्लस 5 और डिफरेंशिएशन का न्यूमरेटर वन हो जाएगा माइनस x इनटू ये हो जाएगा आपका 3 इनटू 2x प्लस 0 जी ना, ये वैल्यू कितनी हो जाएगी, ये वैल्यू हो जाएगी आपके 3x स्क्वायर और प्लस 5 माइनस 6x स्क्वायर अपॉन 3x स्क्वायर प्लस 5 होल स्क्वायर है ना। अब चलिए इसमें वैल्यू रखें, ये हो जाएगा 3x स्क्वायर और प्लस 5 होल स्क्वायर। ठीक है, और ये जगह माइनस 3x स्क्वायर प्लस 5 ये हो गया आपका डी बाई डी एक्स आप न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर 3x स्क्वायर प्लस 5। ठीक है, ये आंसर हो जाएगा। ठीक है, आंसर बहुत सही। अब उसके बाद नेक्स्ट आ जाएगा सेकेंड पार्ट।